Welcome students, today I will explain you chapter number 6 of moral values and the chapter name is Bell the Cat, means cat ke gale mein bell bandhi hai. Now, in this chapter we shall study how a grocer got rid of rats. Is chapter mein padhenge hum ki kaise ek grocer ne rats se chutkara paya. Rats is chuhe aur grocer is, grocer hota hai aapka, jiske yahan hamara ye फूड आइटम्स मिलते हैं, जैसे आपका दाल हो गई, राइस हो गई, ये सब चीज़ें जिनके यहाँ मिलती हैं, जो इन सब चीज़ों को सेल आउट करते हैं, उन्हें हम ग्रॉसर कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देयर वाज अ ग्रॉसरी शॉप इन अ टाउन. एक टाउन में एक ग्रॉसरी शॉप थी. ग्रॉसरी शॉप इज़ किराने की दुकान. प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रॉसरी शॉप. फूड वॉज इन प्लेंटी फॉर देम. और उस ग्रॉसरी शॉप में बहुत सारे माइस रहते थे. ओके, माइस चूहे रहते थे और उन सब के लिए वहाँ पर बहुत सारा फूड था. दे एट एवरीथिंग एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स. तो वो सब कुछ खाते थे और उन्होंने सारे जो बैग्स थे वहाँ पर वो सब ख़राब कर दिए थे. स्पॉइल्ड इज़ ख़राब करना. दे ऑल्सो वेस्टेड द ब्रेड, बिस्किट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द शॉप. उन्होंने सारे शॉप के ब्रेड, बिस्किट्स, फ्रूट्स सब कुछ उन्होंने ख़राब कर दिए थे. द ग्रॉसर गॉट रियली वरीड. तो जो शॉप का ओनर था, जो ग्रॉसर था, वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था. वरीड इज़ चिंता करने लगा था. सो ही थॉट आई शुड बाय अ कैट एंड लेट इट स्टे एट द ग्रॉसरी, ओनली देन आई कैन सेव माई थिंग्स. तो ग्रॉसर ने सोचा कि मुझे एक कैट लेनी चाहिए, कैट खरीदनी चाहिए और उसे अपनी ग्रॉसरी शॉप में छोड़ देना चाहिए, तभी मैं अपनी चीज़ों को बचा पाऊँगा इन रैट्स से. ही बॉट अ नाइस बिग फैट कैट एंड लेट हर स्टे देयर. तो वो एक बहुत ही सुंदर सी, एक फैट इस मोटी सी एक कैट लेके आया और उसने उसे ग्रॉसरी शॉप में छोड़ दिया. द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस एंड किलिंग देम. उस कैट को भी वहाँ पर मज़ा आ रहा था, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे माइस थे, तो वो उन्हें ढूंढती और उनका शिकार करके उन्हें खा जाती थी. द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ. दे वर अफ्रेड दैट एनी टाइम द रैट कुड ईट देम अप. तो जो अब माइस थे, जो पहले वहाँ पर ग्रॉसरी शॉप में इधर उधर घूमते रहते थे, अब वो फ्रीली वहाँ मूव नहीं कर पा रहे थे. उन्हें हमेशा यही डर रहता था कि कहीं कैट उन्हें ना देख ले और उन्हें खा ना जाए. द माइस वॉन्टेड टू डू समथिंग. दे हेल्ड अ मीटिंग एंड ऑल ऑफ देम सेड वी मस्ट गेट रिड ऑफ द कैट. कैन समवन गिव अ सजेशन. तो सारे जो माइस थे वो कुछ करना चाहते थे इस कैट को भगाने के लिए. तो उन्होंने एक मीटिंग रखी और उन्होंने सारे माइस इकट्ठे हुए उस मीटिंग में, तो उन्होंने बोला कि हमें इस कैट से छुटकारा पाना है, तो आप सब हमें सजेशन दो, हमें क्या करना चाहिए. ऑल द माइस सेट एंड थॉट डीपली. अ स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड अप एंड सेट द कैट मूव सॉफ्टली. दिस दैट इज़ द प्रॉब्लम. इफ वी कैन टाई अ बेल अराउंड हर नेक देन थिंग्स विल बी फाइन. वी कैन नो द मूवमेंट्स ऑफ द कैट. तो वहाँ पर एक माइस था, उसने बोला, वो बहुत स्मार्ट था वो माइस, वो जो माउस था वो बहुत स्मार्ट था. उसने कहा कि कैट जो है वो बहुत सॉफ्टली मूव करती है, उसके आने का पता नहीं चलता और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो अगर हम में से कोई उसकी नेक के अराउंड बेल बांध दे, नेक इस गर्दन के, उसके गर्दन में बेल बांध दे, तो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. जब भी कैट हमारे आसपास होगी, हमें पता लग जाएगा उस बेल की आवाज़ से. बेल होती है घंटी. येस, दैट इज़ एन ओनली सल्यूशन, स्टेटेड ऑल द माइस. तो सारे माइस इस बात पर अग्री हुए. उन्होंने बोला कि हाँ, बस एक यही सल्यूशन है कैट को भगाने का, कैट से छुटकारा पाने का. एंड ओल्ड माउस स्लोली स्टूड अप एंड आस्क्ड हु वुड बेल द कैट. तो जो उन माउस में जो एक ओल्ड माउस था, वो खड़ा हुआ और उसने बोला ठीक है, बट बेल लगाएगा कौन कैट के गले में. आफ्टर सम मोमेंट्स देयर वॉज नो वन देयर टू आंसर दिस क्वेश्चन. बट कुछ टाइम बाद वहाँ पर सभी शांत हो गए. किसी के पास भी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं था, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था कि कैट के गले में बेल बांधेगा कौन. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एम्प्टी सल्यूशंस आर ऑफ नो वर्थ. मीन्स एम्प्टी सल्यूशंस मीन्स खाली सल्यूशन देना किसी भी बात का कोई हल नहीं है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक उन्हें करने के लिए कुछ एक्शन ना पता हो हमें. ओके स्टूडेंट्स.